ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਚੱਦਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਖਵਾਣੇ देखती आंखों सुनते कानों को शदाल की तरह से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हेवी गो फाइनल मैच का पहला बाल हुआ चाहता है जी, स्लो किया था और बिल्कुल बड़ी डिमांड में काम रहे जी नासिर खान, एक रन यहाँ पर लगेगा जी। बिल्कुल वेरी एशन से बॉल स्टार्ट किया था, स्लो वन किया था, बिल्कुल भी रीड ना कर सके नासिर पठान जी। पहले बॉल में एक रन के साथ खाता खोला है नासिर पठान ने, स्ट्राइक अब आया जी उमेर बट फ्रॉम फैसलाबाद के पास। देखना होगा कि ये कैसी बैटिंग कर पाते हैं जी, आज के दिन के सबसे जिन्हें खूबसूरत स्टाइल से और बेस्ट बैट्समैन कहा जाएगा वो उमेर बट हैं अभी तक के, क्योंकि उन्होंने शानी खब्बा के आगे बड़े बेस्ट परफॉर्मेंस की थी, 3 छक्के उनको लगाए थे। इस टाइम के सबसे ख़तरनाक बैट्समैन जो जाने जा रहे हैं वो बिल्कुल उमेर बट ही हैं जी, बिल्कुल उमेर बट हैं जी। अब सामना होगा उनका रज़ाक नोना के साथ, देखते हैं कैसी स्ट्रेटजी के साथ वो बॉलिंग करेंगे यहाँ पे उमेर पट को जी। और मैं यहाँ पे अपने कमेंट्री बॉक्स में खुशामदीद करूँगा अपने मोस्ट टैलेंटेड कमेंटेटर जनाब वसीम अकमल को, जो हमेशा इंशाल्लाह मेरे साथ आपको हर मैच में हर इवेंट में नज़र आएंगे जी। वसीम अकरम वो भी मेरे साथ हैं जी, बिल्कुल रज़ाक नोना बॉल करने के लिए तैयार है फिर से, और ये शॉर्ट पिच बॉल तो मैं लगा है बॉल हवा में उड़ने का चांस, बिल्कुल फिर बॉल फील्डर की पहुँच से दूर, खतरे से महफूज, एक रजा मजीद अजाफा, जबरदस्त बॉलिंग या फिर रज़ाक नोना जैसे पेस का इस्तेमाल करते हुए, वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए पहला बॉल जो है जी वो 195 की स्पीड से फेंका था और अगला बॉल 135 की स्पीड से फेंका है जी, थोड़ा सा वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे रज़ाक नोना। ओवर टू यू सी थैंक यू लकी भाई। रज़ाक नोना जो है इस वक्त F16 फेंक रहे हैं, अब देखना होगा कि नासिर पठान के सामने किस तरह बॉल कर पाते हैं। रज़ाक नोना दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया, ओ पहली बार पे सलामी पेश की है नासिर पठान ने, नासिर पठान ने बता दिया है कि आज नहीं मचरना। क्या बात, बिल्कुल जनाब जबरदस्त परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी यहाँ पे नासिर पठान की तरफ से, आज के दिन का पहला दूसरा छक्का नासिर पठान के बल्ले से खतरनाक स्टाइल में खेलते हुए। ओवर टू यू लाला जी। नहीं जी, बहुत शुक्रिया लकी भाई आपका, ये हमारे लकी भाई हैं और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर हैं, वॉइस ऑफ फैसलाबाद हैं। और पहले ओवर का मैच है जी जारी, रज़ाक नोना कर रहे हैं जी यहाँ पर बॉल, सामना करेंगे उनका नासिर पठान। अगला बॉल, अच्छा शॉट, ये लेग की जानिब शॉट के लिए अंपायर का इशारा जी, नो बॉल, फ्री हिट मिलेगी जी इस गेंद पर, देखना होगा नासिर पठान इस फ्री हिट का फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं। बिल्कुल जी, ख़तरनाक बैट्समैन हैं यहाँ के फैसलाबाद के नासिर पठान और पूरे माशाल्लाह पाकिस्तान में अपना नाम कमा चुके हैं जी। फ्री हिट का चांस मिला है और बिल्कुल जब भी फ्री हिट का चांस नासिर पठान को मिला है इसका बखूबी फ़ायदा उठाया है जी, और मेरे ख्याल से इस टाइम डेजर्ट जोन में लग रहे हैं मुझे यहाँ पर रज़ाक नोना, अच्छे बॉलर हैं लेकिन मेरे ख्याल से नासिर पठान के आगे फंस गए हैं जी। ओवर टू यू वसीम भाई। जी शहजाद भाई, आपने ठीक कहा है कि नासिर पठान के सामने बॉलिंग करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन कम बैक करना जानते हैं रज़ाक नोना जो है वो कम बैक करना जानते हैं जी, यही बात मैंने कह दी, लेकिन डेड बॉल है, डेड बॉल है, फ्री हिट जी यहां पे रहेगी बरकरार, देखना होगा नासिर पठान इस फ्री हिट का फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं। लेकिन एक दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई से कि वो पश्तों में थोड़ी सी कमेंट्री करें क्योंकि आगे हैं नासिर पठान। बिल्कुल जी वसीम भाई, पश्तों में तो खैर मैं कमेंट्री कर लूँगा लेकिन मुझे मेरी और नासिर पठान की पश्तों में फ़र्क भी है क्योंकि वो और शहर से तलक रखते हैं, हमारा जो है और ज़िला है, लेकिन फिर भी नासिर पठान को मैं पश्तों में भी साथ साथ जो है ना इसकी हौसला अफजाई करते हैं। नासिर पठान दा सामना कवि रज़ाक नोना वाल देर कोला बैट्समैन दा फैसलाबाद वाले एक शानदार नासिर पठान दा, और नासिर पठान छक्के तयूरी मंदिर तभी लाड़ हुआ लेकिन रज़ाक नोना देर कोला बाल हुआ कहाँ जी। नहीं जी वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप
माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कमेंट्री करते हैं पश्तो में भी, और हमारे लकी भाई हैं। आप सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार इतनी मेहनत करने वाला बंदा जो है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करें। देखने वाले भाई शेयर लाजमी किया करें, लाइक किया करें पेज को, क्योंकि वो आपके लिए ऐसे मेहनत करते हैं, आपको मैच दिखाते रहते हैं, तो इनका इतना तो हक बनता है कि आप लाइक शेयर लाजमी किया करें इनके पेज को। Here we go, जी अगला बॉल नासिर पठान करेंगे सामना। अच्छा बॉल, कैच, बेहतरीन कैच लिया गया जी मेजर सुहेल शहीद के फील्डर रिजवान की जानिब से, जबरदस्त कैच। एक बड़ी विकेट का नुकसान यहां पर नासिर पठान की शक्ल में होगा जी। अली सत्तार को देखना होगा अगले बैट्समैन आने वाले कौन होते हैं। तब तक के लिए आप लकी भाई की आवाज को एंजॉय कीजिएगा। लाला भाई ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो तमाम तर क्रेडिट जो है ना आपको लकी भाई को देना होगा जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, मुझे यहाँ पर आपके सामने लाए। तो मैं सारा क्रेडिट जो है ना लकी भाई को देना चाहूँगा कि आपके सामने एक पश्तो कमेंटेटर लेकर आए, ये मैं सारा क्रेडिट लकी भाई को दूंगा। नहीं बिल्कुल सही बात है लकी भाई, माशाल्लाह हर इंसान में घुल मिल भी जाते हैं, और माशाल्लाह आपकी भी आवाज़ बड़ी अच्छी है, और लकी भाई के तो फिर क्या कहने हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही इनको और ज़्यादा इज्जत दे, क्योंकि ये हमारे वॉइस ऑफ फैसलाबाद है और सीनियर कमेंटेटर्स और प्रोफेशनल कमेंटेटर में आते हैं। लाला जी और रसीम भाई आपका प्यार है बड़ापन है जनाब, आप इन नसीज को बड़ी इज्जत दे रहे हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बिल्कुल जो अपने सीनियर की इज्जत करते हैं अल्लाह ताला बिल्कुल उनकी खुद इज्जत बनाते हैं जी, और आपका भी शुक्रिया। ज़बरदस्त मैच जारी हो सारी है जी, और पहला ओवर का खेल जारी है मेजर सेल वर्सेज यहाँ पे जी अली स्टार 11 नए आने वाले बैट्समैन है तैमूर नजी, खतरनाक बैट्समैन है जेड, और फैसलाबाद के माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी खेले थे मेहमान खसूसी का भी आने जाने का सिलसिला जारी सारी है। फाइनल मैच है और बिल्कुल इंशाल्लाह फाइनल ही क्रिकेट देखने को मिलेगी आपको। लगभग किधर है जी? बिल्कुल शफीक खान भाई मैं इधर ही जनाब आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। जागरोना फिर से आए, निशान भी करना चाहते तो पे लगे बाल हवा में फील्डर बॉल के नीचे, और ये कैच आउट, वाटा कैच, अली हसन कमबैक करते हुए यहां पे मेजर शेर की टीम है इस दफा। बिल्कुल जनाब पूरे नंबर दिए जाएंगे यहाँ पे रजाक नन्ना को, क्या यार स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो बड़ी विकेट ले उड़े हैं यहाँ पे नासिर पठान और तैमूर नियाज़ी की। इस दफा अली स्टार की टीम थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब तमाम तर जो मैच की सूरत हाल है वो उमैर भट्ट और नवीन दारा पे आगे, इनको बड़ा स्कोर करना होगा अगर उन्होंने ये फाइनल मैच विन करना जी। ओवर टू यू सिंह भाई। जी सही कहा अपना लकी भाई के दो बहुत बड़ी मच्छी जो है वो शुरू में ही पकड़ चुके हैं नासिर पठान और तैमूर नियाज़ी की सूरत में मेजर सुहेल की टीम ने, जो कि बहुत बड़ा धचका दिया है मोशन 11 को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दिस इज शिजा लकी फ्रॉम फैसलाबाद प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर, और मेरे साथ हैं जी लाला जी माशाल्लाह मिर्ज़ा 11 के फेमस ब्रॉडकास्टर, बड़ी मेहनत करते हैं, और मेरे न्यू जो ब्रॉडकास्टर हैं माशाल्लाह पश्तो में कमेंट्री करते हैं, उर्दू में कमेंट्री करते हैं वसीम अकरम भाई, मैं कहा आपको तारफ भी करना चाह रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा अपनी तरफ कैमरे लाइन मैच देखते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रॉडकास्टर के बारे में पता चलना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर कौन से जी। अब फिर से आगे हैं जी बॉलिंग पे असद रजा, जबरदस्त बॉल सीधे बल्ले से उमैर भट्ट, एक रन का मजीद अजाफा, दूसरे की काल दो रन लेने में कामयाब, तीसरे की काल है लेकिन यहाँ पे मना कर दिया उमैर भट्ट ने यहाँ पे नरवीर दारा को जी। ले जी एक बार फिर से आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन उमैर भट्ट, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, और नए आने वाले बैट्समैन हैं जो इनका साथ दे रहे हैं वो है जी नवीद दारा। नवीद दारा हैं जी नए बैट्समैन। दूसरे ओवर का खेल है इस टाइम जारी, बॉलिंग पर हैं जी असद, बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, काफ़ी लंबा स्टार्ट है जी इनका, तो देखना होगा इस ओवर में क्या बनेगा। उमैर भट्ट हैं जी सामने, बॉल करेंगे असद, काफी लंबा स्टार्ट है जी, भागते हुए अंपायर को किया यहाँ पे क्रॉस, अच्छा बॉल, लंबा बॉल किया जी, यार्कर लाइन पर बॉल था, AK-47 की स्पीड के साथ बॉल करते हुए यहाँ पर असद, बिल्कुल डॉट बॉल किया जी यहाँ पर, और फाइनल मैच है जी इसका, पहला इनाम 30,000 और दूसरा इनाम